हमारे अगले अवार्ड है विजय मिश्रा बाबा, ये प्रोग्रामिंग हेड है न्यूज बिहार लाइव। थैंक यू बाबा। नए नए होने के बात कर ले, बिहारी जहाँ भी रह ले जीवन वाला हमारे जीवन। आखिर नीतीश जी नरम क्यों पड़े हैं इस बंद के बाद? बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर, शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत लाइव और यह है आपका पसंदीदा शो रातों रात। आज का जो रातों रात पेशकश है ये कुछ अलग होने वाला है। आज आपसे कुछ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड मिला है बाबा को नीतीश चंद्रा ब्रांड एनसी की तरफ से। और साथ ही इसी हफ्ते की शुरुआत में एक अवार्ड हमारे एडिटर इन चीफ को भी मिला था, नमन मिश्रा जी को। आपसे साझा करते हैं ये अवार्ड, बेहतर पत्रकारिता के लिए उनको दिया गया और युवाओं को पत्रकारिता में आगे लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसको लेकर उनको ये अवार्ड दिया गया था दिल्ली में। तो बाबा, आज का जैसा कि रातों रात का पेशकश है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन, शो कभी हमारा रुकना नहीं चाहिए, तो आज जो हमारा रातों रात का पेशकश है वो आखिर उस पर मुद्दा क्या लीजिएगा? सबसे पहले तो आप सभी को जो भी भारत लाइव को देख रहे हैं, जो देखना शुरू कर चुके हैं और जो आगे भी देखेंगे, उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और ये सब कुछ आपके चलते हो रहा है, इसमें मेरी कोई भी सहभागिता नहीं है। मेरी सहभागिता सिर्फ यही है कि आप मुझे स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं और एक हेतु देते हैं जिसको लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। ये अवार्ड जिम्मेदारियों को और बढ़ाने वाले होते हैं। अब इस अवार्ड ने और नीतीश चंद्रा ब्रांड एनसी ने इस अवार्ड के साथ मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ा दी हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले भी कहा है कि मेरा काम पत्रकारिता को एक नए रूप में, नए आयाम के साथ, सच और केवल सच के साथ जोड़ के रखना है। आपकी बातें मैं सुनता हूँ, आपके लिए बैठता हूँ और आपके लिए इन खबरों को ढूंढ करके, खोज करके, चून बीन करके, छांट करके लाता हूँ। खैर, ये तो चलता ही रहेगा, जीवन है तो संघर्ष है और संघर्ष है तो बहुत सारी बातें हैं। रवि, ये सब कुछ आप लोगों के चलते हैं, चूँकि आप लोग इतना बेहतर काम करते हैं, एक टीम के रूप में काम करते हैं। कई लड़के हमारे साथ आए, कई लोग जुड़े। इस बीच में नमन मिश्रा जी ने जो कुछ भी किया, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मैं लिखता था जी, लेकिन नमन मिश्रा जी ने मुझे बताया कि कैसे कैमरे के साथ बात की जाती है, कैसे लोगों के सामने आ जाता है। और इसलिए मैं उनको इस जगह पे लाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनके अवार्ड के लिए भी मैंने पहले भी बधाई दिया था, एक बार फिर से बधाई देता हूं कि आप नहीं होते तो ये अवार्ड जो आज मुझे मिला है ये भी नहीं होता। खैर, हम लोग बढ़ते हैं अपने, जैसा कि आपने कहा कि कार्यक्रम जारी रहेगा, रातों रात जारी रहेगा और रातों रात जारी हो चुका है। आज रातों रात में जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि रातों रात में आज क्या है, आखिर नीतीश जी नरम क्यों पड़े हैं इस बंद के बाद और छोटे मोदी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के गर्म क्यों हो गए हैं, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातों को हम लेकर के आपके सामने रखेंगे और उन बातों की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि आपने जो बंद देखा, उस बंद में लगभग शांतिपूर्ण बंद हुआ और इस बंद में जो होना चाहिए था वो कुछ नहीं हुआ जी। छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, कुछ उदंड लोग होते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं, जो उदंडता किए उनको सजा भी मिली है, इसकी भी जानकारी हमने आपको दे दी है। और तेजस्वी यादव और आरजेडी ने उन पर कार्रवाई भी कर लिया है। भागलपुर की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर के सुशील मोदी जी ने कहा है कि अगर भागलपुर के कार्यकर्ताओं को सजा दी जाती है, उन्हें दंड दिया जाता है, तो फिर इनको क्यों नहीं, फिर आखिर तेजस्वी यादव को दंड क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहां भी बहुत कुछ हुआ है। तो ठीक है,
ये पक्ष है विपक्ष है चलते रहता है, लेकिन इन सब के बाद नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी बिल्कुल चुप है। हालांकि एक दूसरी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, LJP। इससे पहले भी हमने आपको खबरें चलाई थी कि भीतर थाने में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उधेड़ बुन चल रहा है। आप पीछे जाइएगा भारत लाइव में तो आप देख सकते हैं कि हमने ये भी बात बताया था कि कहीं ना कहीं एक भीतर में कुछ ना कुछ NDA के अंदर में पक रहा है, जैसा कि महागठबंधन के अंदर भी पक रहा है। हमने ये भी आपको बताया था कि तेजस्वी यादव जिस टसन में थे, जिस रॉ में थे, और बंद की सफलता को लेकर के, और अपने जो उन्होंने बातें कही थी एक दिन पूर्व मशाल जुलूस के दौरान, जैसा कि आप लोगों ने कवर भी किया था, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किसी भी तरह का गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बंद शांतिपूर्ण होगा और बिल्कुल गांधीवादी तरीके से होगा। इसका समर्थन उनके साथियों ने भी किया था। खैर, इन सब बातों के बाद हमने आपको ये बताया था कि बंद जो है सफल रहा। हाँ, एक जरूर गलती हुई है, और गलती क्या बहुत ब्लंडर हुआ है, वो ये है कि पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार हुए हैं, पत्रकारों के सर फटे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है। पटना में ये दूसरी घटना है इसी CAA और NRC को लेकर के, ये दूसरा प्रदर्शन है जिसमें पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध दर्ज करते हैं। और इस बात के लिए हम उन सारे लोगों को चेतावनी भी देते हैं कि आप पत्रकारों के साथ इस तरह का नहीं कीजिए, अगर कीजिएगा तो पत्रकारों का आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, आपसे भी नहीं संभलेगा, क्योंकि पत्रकार किसी के नहीं है, किसी के खरीदे हुए नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि पत्रकारों को आप इस तरह से प्रताड़ित करें, मारें और उनके साथ अभद्र व्यवहार करें। इसके साथ ही हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है, नीतीश कुमार नरम क्यों पड़े, उसके पीछे कारण है कि झारखंड का कल परिणाम आने वाला है जी। और झारखंड परिणाम में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता के विषय है। परिणाम क्या होगा ये तो अलग बात है, ये तो मात्र रुझान है, लेकिन रुझानों में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको लेकर के राजनीतिक दल अपनी आइडियोलॉजी और अपनी रणनीति बदलना और बनाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है नीतीश जी के मन में भी इस तरह की बातें हो, लेकिन इन सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें हम दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर तो जैसा कि आपको रवि ने बताया है, हम एक अवार्ड की छोटी सी तस्वीर दिखाएंगे, और दूसरी हम जो तस्वीर अभी आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर है कि किस तरह से आज से एक सप्ताह पहले बिहार में बहुत कुछ हुआ, और इसको लेकर के बिहार के रणनीति को लेकर के कुछ लोगों को, प्रशांत किशोर को खास करके, इस बात के लिए कहा गया कि वो महागठबंधन में आ जाए, गलत पार्टी में है। माधव आनंद जो कि लगातार प्रशांत किशोर के संपर्क में है, जैसा कि सूत्र हमारे बता रहे हैं, और माधव आनंद ने भी पिछले अपने जो वीडियो क्लिपिंग भेजी थी उसमें इस बात का ये किया था कि वो माधव आनंद चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर महागठबंधन में आ जाए, वो गलत लोगों के साथ हैं, उन संगत छोड़ दें। अब उसी माधव आनंद ने एक, आपको याद होगा कि एक ट्वीट किया था प्रशांत किशोर ने, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर हमला बोला था कि ये बंद जो है, हालांकि उनका समर्थन बिल्कुल विरोधियों की तरफ है, NRC के विरोध में जो भी लोग खड़े हैं, CAA के विरोध में जो भी लोग खड़े हैं उनके साथ है, उसके बावजूद उन्होंने उन लोगों पर जरूर उंगली उठाया था। पहले भी उन्होंने कहा था कि जितने भी गैर भाजपा CM हैं वो सारे लोग आकर के और इस बंद और इसका विरोध में शामिल हों। अब स्थिति ये हो गई है रवि कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आखिर क्यों बैकफुट पे है, कांग्रेस कहती है कि हम विरोध में शामिल होंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्यों नहीं शामिल होती है। हालांकि इसी बात को लेकर के माधव आनंद ने हमें एक वीडियो भेजा है, और इस पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है प्रशांत किशोर को, इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। जिस तरह कल बिहार बंद देखा गया, पूरी तरह ये कार्यक्रम सफल रहा है। कुछ लोगों का, मैं प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देख रहा था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के सभी बड़े नेता कल बिहार बंद के दौरान मौजूद थे,
निश्चित रूप से बिना कांग्रेस के समर्थन का तो देशव्यापी आंदोलन हो भी नहीं सकता है। इसीलिए ये कहना कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इस सबका जो है सो सहमति प्रदान था, सबने जो है इस बंद को जो है आह्वान करने का काम किया था, सबके कार्यकर्ता वहाँ थे, और निश्चित रूप से सोनिया गांधी जी का भी हम लोगों ने ट्वीट देखा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी तो खुद सड़क पे थे, और आज भी मुझे पता चला है कि शायद राजघाट पे ये लोग जो है कांग्रेस के तरफ से 4 या 5 घंटे का जो है एक धरना प्रदर्शन या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जैसा कि रवि, वीडियो तो हमारे भारत लाइव के दर्शकों ने जरूर देख लिया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस नरम और गरम के पीछे जब परिणाम झारखंड के आ जाएंगे तो पूरी राजनीति खुल जाएगी, और राजनीति खुलेगी तो आप देख लीजिएगा कि भारत लाइव ने जो आपको कई ऐसे खबरें जो भीतरखाने से निकाल कर दिखाई हैं वो खबरें कितनी सटीक बैठती है। अब तक हमारी कई खबरें सटीक बैठी हैं। हमने 15 पर बताया था कि चुनाव इसी आधार पर 2020 का लड़ा जाएगा, और वो बातें सामने आ चुकी हैं। आपने देखा भी होगा कि 15 का पोस्टर भी अब वायरल हो गया है। इससे पहले हमने ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी चिंतित हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है, और इस चिंता का कारण है भारतीय जनता पार्टी का गिरता ग्राफ। अगर कहीं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आशानुरूप, जैसा कि सब कुछ सोच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक नहीं होता है तो निश्चित रूप से, जैसा कि चिराग पासवान के स्टैंड बदले हैं, हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत जम करके तेजस्वी यादव के बंद का विरोध किया है, अब इसमें दो तरह की बातें हो रही हैं। RJD कह रहा है कि ये विरोध जो है वो इसलिए है कि हमारा जो प्रदर्शन था वो सफल रहा, इसीलिए वो अब अपनी झेप मिटा रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बंद को तोड़फोड़ और विस्फोटक बता करके इनका विरोध किया गया है। खैर, अब इन सब बातों के बाद पूरा माहौल अब जैसे ही झारखंड परिणाम आएगा तो बदल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के नरम और गरम की बात हमने कहा था कि नीतीश कुमार और उनके परम प्रिय मित्र छोटे मोदी, सुशील मोदी, गरम हैं, और उन्होंने जम करके हमला भी किया है। देखने वाली बात होगी कि राजनीति अब कहाँ जाती है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि झारखंड का क्या परिणाम होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से बाबा ने आपको बताया कि क्यों छोटे मोदी गर्म हो गए हैं और नीतीश कुमार नरम हो गए हैं, इसी तरह से आज झारखंड का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, और चुनाव नतीजे के बाद कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में रातों रात में, और आपको बताएंगे जो भीतर खाने से और भी बिहार की राजनीति में जो बातें आ रही हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, भारत लाइव के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में सब्सक्राइब बटन है उसको अवश्य दबा लीजिएगा, साथ में घंटी का आइकन है अगर उसको दबा दीजिएगा, और ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो सारी खबरें आपको बिल्कुल मुफ्त में आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।